वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो यार, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बट वो थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इस वीडियो में अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। सॉरी, ये हो गया है 3 के। अपन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 क्वेश्चन हो गए थे। 6 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। 6 क्वेश्चन अपन ने होमवर्क में दिया था। तो अपने को क्या था, ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने इसके पहले भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या हुआ। तो मैंने देखो, मैंने पूरा वीडियो ये बना दिया, पर जब एडिटिंग की बात आई तो मुझे वीडियो मिल ही नहीं रहा था। क्या पता, मतलब अब क्या ही बोलूँ, अब कुछ समझ नहीं रहा है। बहुत स्कैम हो गया, मतलब स्कैम जैसे हो गया ना। इतना बड़ा वीडियो बनाया था मैंने 40 मिनट्स का, और वो गैलरी में सेव ही नहीं हुआ, क्या पता क्या हुआ। तो अब मैं रफ में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सब क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने पूरे सॉल्व करके दिखाया आपको, एक एक स्टेप करके दिखाया, ठीक है। तो अब क्या करते हो, पूरा लिख भी नहीं सकते ना पूरा, इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये साइन हाइपरबोलिक, ठीक है, अपने को फॉर्मूला पता है। तो साइन हाइपरबोलिक क्यों डाले अपन ने, अपने को पता है ये दोनों अपन लास्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। पहले पाया मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ये तो होमवर्क में दिया था मैंने। तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी डाल के ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, एंड उसको सॉल्व करके ये आंसर आ गया। ये कैसे सॉल्व करना है मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो आप लास्ट वाला वीडियो अगर अच्छे से देखा हो तो ये पूरा समझ जाएंगे आपको, ठीक है। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टी वाली प्रॉपर्टी लगा दी, उसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी लगाई अपन ने, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या डाला, एस इज इक्वल टू एस प्लस वन, क्योंकि ए रेस टू माइनस टू है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू एस प्लस वन टू डाला, उसको डाला एस की जगह पे, पूरा सॉल्व किया, आंसर ये आया, ठीक है। आपका आंसर चेक कर लो, करेक्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर क्या गलत हो गया वो भी देख लो, ठीक है। तो अभी ये वाला मेन वाला होमवर्क दिया था मैंने, तो इसमें कैसे करना है देखो। अपने को पता है टी मतलब क्या होता है, देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया है। टी स्क्वायर मतलब क्या होता है, टी इंटू टी होता है। तो यहाँ पे कितने टी रहेंगे, टी स्क्वायर मतलब दो टी है। तो पहले एक प्रॉपर्टी, मतलब पहली एक प्रॉपर्टी लगाना, एंड देखो जब भी मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी लगती है ना, तो समझ लेना कि एक ही टी लगता है। कोई कोई टी स्क्वायर लगाता है, तो टी स्क्वायर नहीं लगता, बस एक ही टी लगता है, ठीक है। बट अपने को यहाँ पे दो टी चाहिए, तो अपने को देखो दो बार मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, एक तो इधर और दूसरी इधर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी में देखो सॉल्व करने के बाद क्या आता है, मैं अब कैसे सॉल्व करना वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी वो बहुत एक्सप्लेन कर चुका था मैं पिछले 40 मिनट का वीडियो हो गया था, और बोल बोल के पूरा मुंह भी दुख गया। बट अभी देखता हूँ तो क्या वीडियो डाउनलोड ही नहीं हुआ था, मतलब सॉरी सेव नहीं हुआ था, तो क्या हुआ उसको ही बता वो, अब मैं भी क्या ही बोलूँ, बट फिर भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका कैसे सॉल्व करना है ये तो अपने को पता था, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन वाला ये क्वेश्चन अपन ने देखा है बहुत बार, ओके। तो ये आंसर इसका आया, मतलब एक टी का और कॉस एक टी का आंसर इतना आया, ओके। अपने को क्या अभी दूसरा टी चाहिए, मतलब उधर टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर का देखो वापस से अपन ने इस पे डेरिवेटिव लगा दिया, ओके। डेरिवेटिव लगाने के बाद क्या होगा, ये माइनस वन तो वैसे रहेगा, देखो ये वाला मैंने इधर लिखा, ओके। ये हल क्यों रहा अभी, क्या एक प्रॉब्लम चले क्या पता, ठीक है। तो देखो ये वाला इक्वल टू मैंने यहाँ पे दिया, अब ये माइनस वन वैसे जैसे का वैसा है। अपने को प्रॉपर्टी पता है, इतना क्यों हल रहा है यार ये, अपने को प्रॉपर्टी पता है नीचे का साइलेंट, उसके बाद में ऊपर का डेरिवेटिव, मतलब एस स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एस, एंड ए का। अब ये देखो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब कॉन्स्टेंट है, किसी किसी ने इसको भी इसका भी डेरिवेटिव निकाल के रखा, बट ये कॉन्स्टेंट है, ये समझा करो कि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है, ठीक है। अपन डी रेस टू डी एस का डेरिवेटिव, मतलब देखो अगर x का डेरिवेटिव निकाला तो 1 आता है, एंड x के रेस्टू में अगर डेरिवेटिव हो, अगर कोई दूसरा कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0 आता है, तो इसमें भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, ठीक है। तो ये कट हो गया। उसके बाद में क्या बोलता है फॉर्मूला, पहला वाला कांस्टेंट रखो और दूसरे का डेरिवेटिव करो, ठीक है। तो अपने को पता है डेरिवेटिव, अब देखो यहाँ पे लिख के भी बताया मैंने, जब देखो अगर रुको यहाँ पे बताया, तो समझो अगर, अब मैंने यहाँ पे बताया तो है बट आपको ऐसे डायरेक्ट समझेंगे नहीं। तो देखो अगर अपन ने इस पे फॉर्मूला लगाया, ठीक है, अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया अपन ने, तो आंसर क्या आता है 2x। बट अगर x की जगह पे अगर कुछ और होगा ना, तो मतलब समझो अभी x की जगह पे ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो समझ इसको कुछ देर के लिए x समझ ला, मतलब एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को, मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा 2x का, तो ये 2 है और ये x है, x मतलब क्या पकड़ा अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पकड़ा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पूरे डॉट्स भी दिख रहे होंगे आपको, पूरा मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा क्या पता, बट यहाँ पे पूरे डॉट्स हो गए इधर, मतलब मैंने पूरा एक एक एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। तो
हो जाता है कभी कभी, अब क्या करें। तो इसका डेरिवेटिव मतलब 2x, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो डायरेक्ट अपन 2x लिख देते, बट x की जगह पे ये दूसरा टर्म है ना, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या बोलती है, चैन रूल बोलते हैं इसमें। अपन ने चैन रूल सीखा है इसके पहले भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये इजी जाता अपने को आपको, ठीक है। तो चैन रूल क्या बोलता, पहले तो 2x लगाओ मतलब 2 × x, और डेरिवेटिव करो इसका, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव एस स्क्वायर का 2s, ठीक है। एंड नीचे में इसका पूरा होल स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 मतलब रेस टू 2, ये देखो रेस टू 2 भी इधर आया, उसका होल स्क्वायर किया, ठीक है, ये होल स्क्वायर उसका है, ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो इसमें से आपको एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड इसमें से एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, एंड 2s, एंड यहाँ पे 2s कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। एंड बीच में माइनस साइन है, मतलब ये दोनों टर्म में से 2s और एस स्क्वायर प्लस 2a अपन बाहर निकाल सकते। तो देखो 2s एंड एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन ने बाहर निकाल लिया, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें से अगर एस स्क्वायर प्लस 2s ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे कितने 2 मतलब 2 है ये, अभी मैंने बताया था टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टी इंटू टी मतलब 2 बार टी है, वैसे ही यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कितने बार है, 2 बार, मतलब 2 बार में से एक बार अपन ने यहाँ पे कॉन्स्टेंट निकाल लिया, मतलब एक बार इधर बचेगा ना, मतलब एस स्क्वायर प्लस 2 एक बार बचा, ठीक है। ये ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, मतलब इन दोनों में से अभी कॉमन ये निकाल लिया, एंड इसका ये ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इसमें जैसे देखो, इसमें से एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, एंड इसमें से 2s निकल गया, मतलब इतना ही बचा इसमें, ठीक है। उसके बाद ये माइनस लगा दिया, उसके बाद में देखो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है बचा अपने पास इसमें से, एंड गया कि इसमें से एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड 2s गया, मतलब 2 बचा। तो देखो इतने बचे हुए टर्म मैंने लिख दे इधर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये जो अपन ने कॉन्स्टेंट निकाला था, कॉमन निकाला, सॉरी कॉन्स्टेंट ने कॉमन निकाला था, इसको एक कट करते, यहाँ पे 4 है, मतलब 2 × 2 क्या होता है, 4, तो यहाँ पे 4 आता है, एंड यहाँ से एक कट गया, यहाँ से एक कट गया, मतलब 4 में से एक गया, तो कितने रहेंगे यहाँ पे, रेस टू 3। तो आपको समझ गया ना, अभी बोला था मैंने टी अगर स्क्वायर होगा तो टी इंटू टी रहता है, मतलब यहाँ पे कितने इसका होल स्क्वायर है, मतलब इधर 4 बार है ये, ठीक है। तो 4 बार में से एक बार निकाल लिया, तो 4 में से एक गया तो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना डीप में समझने का काम नहीं, क्योंकि आप दूध पीते बच्चे ने, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन फॉर्मूलेज है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये 4 में से 3 एक गया है एंड 3 रह गए, ये तो छोटे बच्चों को भी समझा के बताया तो समझ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी पूरा बता दिया है, फिर भी मैं इसे कुछ तो भी बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करते वक्त आपको पता है जब भी वीडियो बना था उसमें बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अभी एक्सप्लेन करने का कुछ भी इच्छा नहीं मेरी, बट फिर भी वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना, तो मतलब यू नो वीडियो बनाना पड़ेगा, वो मेरी ये नहीं है, क्या बोलते उसको, ऐसे जान पे आ रहा मेरे, ऐसे भी नहीं बना रहा, मैं समझाने के लिए बना रहा, बट ये बेसिक ये छोटी छोटी बातें तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें से ये कट गया, मतलब ये यहाँ पे क्या रह गया, 2s, एंड ये ब्रैकेट में क्या बच गया, एस स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, एंड ये माइनस, माइनस को अपन अंदर इंटू कर दिया, तो माइनस को अगर इंटू भी अंदर करते तो एस स्क्वायर को भी माइनस लगेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस आ गया, एंड 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 एस स्क्वायर, मतलब ये 2 एस स्क्वायर आया, एंड ये माइनस इसका आया, एंड यहाँ पे एस स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 ए स्क्वायर, एंड ये प्लस, ठीक है, इतना समझ गया। अब मैंने क्या किया, ये माइनस ए को 2s से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या रह गया इधर, माइनस 2s आ गया, ठीक है। अभी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखने का काम नहीं, 2, ये 2 जैसे का वैसा, s इंटू एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस क्यूब, ठीक है। अब ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस अपने को पता है माइनस होता है, तो माइनस 2 × 3 = 6, एंड ये s जैसे का वैसा, एंड ए स्क्वायर जैसे का वैसा। अब ये लाइक टर्म्स थे ss, इसलिए s क्यूब हुआ, यहाँ पे लाइक टर्म सही नहीं ना, s और ए स्क्वायर कैसे मिलेंगे, तो वो वैसा, एंड नीचे का टर्म तो जैसे का वैसा है, तो समझ गए। अपना t लैपलास ऑफ t स्क्वायर इंटू cos at क्या आ गया, ये एरो दिखा के मैंने दिखा दिया, ये इतना आंसर है, ठीक है। आप देख लेना क्या गलत हो गया, अगर मिस करके दिखा होगा तो देख लेना क्या गलत हो गया, या फिर अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मतलब बिन सॉल्व करते देख रहे होंगे, तो ऐसे करते, ठीक है। अब देखो 8 वाला भी मैंने सॉल्व करके दिखाया था पूरा, तो इसमें भी अपने को क्या पता है, सेम क्वेश्चन है, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर अपन गायब कर सकते हैं, ये क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2t का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगा दिया हाइपरबोलिक का, हाइपरबोलिक रहा तो माइनस आता, पता है आपको, याद है ना, हाइपरबोलिक रहा तो माइनस आता इधर, बाकी का फॉर्मूला सेम ही है साइन के जैसा, ठीक है। उसके बाद में क्या, मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, तो टी लगा दिया एंड उसको डेरिवेटिव लगा दिया। अब अपने को पता है, देखो अगर डेरिवेटिव 1/x रहा, ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट 2 बाहर निकल गया, इससे मल्टीप्लाई मतलब माइनस 2 आ गया इधर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 1/x, मतलब इसको x पकड़ो, तो 1/x का फॉर्मूला क्या है अपना, 1/x = -1/x² है,
तो अपन इसको x कंसीडर करते ना, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x कितना है, तो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर किया है अपन ने, इसका होल स्क्वायर किया एंड उसका वापस से डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। तो इसका अगर डेरिवेटिव निकाला तो 2s बच गया ना, क्योंकि एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s एंड माइनस 4 का 0, तो लिखने का काम नहीं। तो ये वापस देखो कितने बार समझा रहा मैं, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा एंड 2 2 4 एंड एस 4s, ठीक है। एस स्क्वायर माइनस 4 ये जैसे का वैसा, ठीक है। मतलब अभी पहला डेरिवेटिव, पहला टी प्रॉपर्टी से पहला टी निकला, बट अपने को क्या चाहिए, टी स्क्वायर मतलब 2t चाहिए, ठीक है। तो मतलब अपने को वापस से वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ इसका अभी, ठीक है। तो अभी लैपलास ऑफ ये इतना एक स्टेप लिख लेना, या फिर टी स्क्वायर है इंटू साइन हाइपरबोलिक 2t, तो उसको सॉल्व करना है बस, अपने को ज्यादा कुछ भी दिमाग लगाने का काम नहीं। तो कैसे सॉल्व करना, पहला कांस्टेंट देखो, कुछ भी नहीं, जितना मैंने स्टेप्स बताया उतना करो। पहला कांस्टेंट से ऊपर का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ 4s क्या आता है, 4, ठीक है। माइनस 4s कांस्टेंट अभी साइलेंट रहेगा एंड नीचे का डेरिवेटिव होगा। तो अपन ने अभी देखा था एक्स स्क्वायर का मतलब 2x और डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर के टर्म का मतलब एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, ठीक है। ये 2 कहाँ से आया, अपन ने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है एन इज इक्वल एन एन प्लस 1, ठीक है। ये एन यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका ये वाला स्क्वायर इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद में इसका डेरिवेटिव वापस सीख गया, तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s आ गया, ठीक है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ये सुन सुन के पागल हो गए होंगे, क्योंकि ये सेम कितने बार बताने वाला है, ठीक है। उसके बाद में क्या, नीचे का होल स्क्वायर, तो इसका एस स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो इतनी टर्म सेम है एंड ये वापस से होल स्क्वायर किया, ठीक है। अब इधर जब पहुंचते अपन तो क्या करेंगे, इसमें से जो भी कॉमन टर्म्स है वो निकाल लेंगे। तो एस स्क्वायर माइनस फोर कॉमन दिख रहा है अपने को, तो देखो एस स्क्वायर माइनस 4 मैंने कॉमन निकाल दिया एंड ये ब्रैकेट लगा के अब देखो ये माइनस है, तो इसमें से अगर एस स्क्वायर माइनस 4 निकाल लिया तो एक एक्स माइनस 4 बचाएगा ना, एस स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। अगर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, मतलब ये बचेगा, यहाँ पे बच गया एंड 4 बच गया, ठीक है। माइनस इसमें से 4s बच गया, ठीक है। इसमें से बस ये वाला गया ना, एस स्क्वायर माइनस 4 गया, तो क्या बच गया, 4s इंटू 2s, तो उसका क्या जाएगा, 8s स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 4 2 8 एंड s इंटू s स्क्वायर, ठीक है। इतना बच, इतना अपन ने नीचे लिख दिया एंड एस स्क्वायर माइनस 4 ये 2 2 है, तो इसमें कभी भी ये मल्टीप्लाई होते, ठीक है। 2 2 2 2 4 आता है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, देखो ये पे कैंसिल भी कर दिया था क्योंकि ये कुछ काम का नहीं रहता, ठीक है। तो बस अपने को नॉलेज के लिए आइए, अगर एक्स ऐसे n है तो ये क्या होते हैं, n इंटू n होते हैं, मतलब n इंटू n होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, पता है। एंड अगर x रेस टू n और x रेस टू n होगा तो ये दोनों बेस सेम होते और n प्लस n बनता है, ठीक है। ये अगर याद हो तो, मतलब काम का तो नहीं है पर फिर भी बेसिक बता दिया, ठीक है। तो चलो अपन वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं, काटे थे अभी मैं, हाँ उस पीस पे। तो देखो अभी इधर से कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकालने पे अपन ने 4 में से 1 का ऐप कर दिया, मतलब यहाँ पे 3 बच गए, ठीक है। एंड अब ये सोच रहे होंगे आप कि ये s2 - 4 इधर से डायरेक्ट क्यों नहीं कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो वैसे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। वो दोनों जुड़ के है दोनों साइड में, तो जब उधर उसमें से अपन कॉमन निकालेंगे एंड सब टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई में रहेंगे तब अपन उसको क्रॉस कर सकते, ठीक है। इसमें से अपने को पता है अभी अपन ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4s2 - 4 4 16 एंड ये माइनस 8 2 16 स्क्वायर, 8 2 16 स्क्वायर इधर लिख दिया, माइनस जैसे का वैसा है, ठीक है। अब माइनस 16 प्लस 4 तो क्या आ जाता है, माइनस 12s2 - 16, ये माइनस 16 जैसे का वैसा, ये माइनस 16s2 - 4s2 किया, तो माइनस 12s2 आया, ये नीचे का तो जैसे का वैसा ही है। अब ये माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस माइनस प्लस 12s2 आता एंड माइनस माइनस प्लस 16s2 आता, सॉरी 16 आता एंड नीचे का टर्म तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखो ये अपना लैपलास का सॉल्यूशन मिल गया। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, मैंने पूरा वीडियो बराबर बनाया था यार, पर अब जान दो किस्मत में साथ नहीं, जो क्या करे, उसको कोस के भी अपन कुछ कर नहीं सकते, वो मैं गाली देता रहूंगा वो वापस थोड़ी आने वाला है, बराबर। तो उसको अपन जान देते, इग्नोर करते। तो देखो ये वाला होमवर्क दिया था मैंने, ये आप होमवर्क करके देखना, ये एक होमवर्क है और ये एक होमवर्क है। ये वाला तो ईजी है, अपन को अपने इसके पहले भी देखा है, पहले तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी, सॉरी पहले टी प्रॉपर्टी लगानी, उसके बाद में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, नेक्स्ट इसमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, उसके बाद में अपना आंसर करेक्ट करके देखना। अब देखो ये वाला थोड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, तो इसमें देखो अभी तक क्या किया अपन ने, जब भी लैपलास सॉल्व किया ना तो टी का में आता था सिंगल टर्म आती थी, देखो अभी सॉल्व किया अपन ने तो इसमें सिंगल टर्म में टी आया था, बट अब इस क्वेश्चन में देखो ये पहला टर्म है, इसके बाद में माइनस और ये दूसरा टर्म है,
ठीक है। तो इस प्रकार की इसमें क्या करना है, पहले तो सॉल्यूशन लिखना है, जैसे कि वैसा लेट लेट में ये पूरा लिखना है अपने को, क्योंकि अपन अभी गायब नहीं कर सके कि अभी अगर गायब किया नहीं, अपन ने अगर टी गायब किया तो जब उसको लाना पड़ता ना तो अपन क्या डालते, बाय टी प्रॉपर्टी, बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी डालते ना। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो उसमें, अब देखो यहाँ पे कैसे अपन ने ये मल्टीप्लीकेशन वाला डाला, ठीक है, तो माइनस वन डाला, डेरिवेटिव इसका पूरे का डेरिवेटिव लिया ना, तो जब अपन इसमें सॉल्व करेंगे ना तो अपने को जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो इसको पूरे का डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, बट अपने को टी क्या पे चाहिए, बस इधर ही चाहिए ना टी, तो उसको थोड़ा अलग सॉल्व करना पड़ता, इसलिए अपना पहला जो प्रॉपर्टी लिनियरिटी प्रॉपर्टी उसके हिसाब से दोनों लैपलास सेपरेट कर लेना, ठीक है। कॉस टी स्क्वायर कॉस टी टू का अपना सॉल्व इधर ही हो जाता, देखो इधर तक सॉल्व हो गया, उसको कुछ भी करना है, उसको सामने बस वो कंटिन्यू लिख के बस वो सेम टू सेम, ठीक है। इसमें देखते हैं टू कॉन्स्टेंट निकलता है, टू निकाल लिया, टी गायब कर सकते अपन प्रॉपर्टी नंबर थ्री के वजह से, टी गायब कर से बाद में ला सकते, तो टी गायब करते तो बच गया क्या, साइन टू टी, तो साइन टू टी का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, साइन टू टी का फॉर्मूला लगाने के बाद उसको सॉल्व कर दिया, टू टू जो फोर इतना आ गया। अब यहाँ पे अपन को बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी लगाई, इस पे लगाई बस इतने टर्म पे लगाई, इसलिए इस साइड में लिखा बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। तो अपन को अभी मालूम है माइनस वन डालते हैं डेरिवेटिव इसका करते, अब सोचो अगर अपन ने इधर से ही टी निकाल लिया होता तो अपने को डेरिवेटिव पूरे इसका इतने टर्म का डेरिवेटिव करना पड़ता था, ठीक है, तो वैसा नहीं करना, अपने को बस इसका ही डेरिवेटिव चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है, ठीक है। अब माइनस वन अपने को अभी वापस से लिखने का काम नहीं, अपने को डायरेक्ट ये जैसे अपन ने प्रॉपर्टी नंबर टू में देखा था ना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से चलते चलते क्वेश्चन के अंदर ही कैसे सॉल्व करना है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वैसे ये थर्ड प्रॉपर्टी ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बाई माई मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी लिख दिया, उसके बाद में ये लिख दिया मतलब डेरिवेटिव में डाल दिया इसको, हो गया। अब कांस्टेंट है फोर, मतलब कांस्टेंट है तो फोर को बाहर निकाल लिया, तो फोर वन से डी मल्टीप्लाई हो गया माइनस फोर, ये माइनस जैसे का वैसे रहने देते हैं क्योंकि ये इसका माइनस है, इसको छेड़खानी मत करना, ये माइनस जैसे का वैसा ही है, देखो पूरे इसमें, ठीक है, उसको छेड़खानी करने का ही नहीं। यहाँ पे माइनस फोर आ गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है फोर, तो फोर बाहर निकल लिया, एंड अपन ने अब भी वन बाय एक्स का डेरिवेटिव देखा था, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड उसका वापस से डेरिवेटिव, ठीक है। ये डेरिवेटिव क्यों निकाल दिया अपन समझ गया कि आपको, क्योंकि देखो डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स क्या आता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, पर एक्स की जगह पे एक्स नहीं है ना, एक्स की जगह पे दूसरा टर्म है, तो फॉर्मूला चेन रूल क्या बोलता, उसका डेरिवेटिव उसका फॉर्मूला लगाओ, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, बट अंडर के टर्म का वापस से अपने को डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अपने को पता है टू एक्स आता है, ये माइनस फोर जैसे का वैसा है, हो गया। ये पूरा देखो ऊपर से नीचे तक ये सेम ही है, ये माइनस जैसे का वैसा, अब ये माइनस माइनस प्लस, मतलब इधर का प्लस लिखने का काम नहीं, एंड फोर टू जा एट, एंड ये एस जैसे का वैसा इधर, ठीक है, नीचे की टर्म जैसी की वैसी, हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। एंड आंसर का आएगा अभी अपना साइन टू टी माइनस टू टी साइन टू टी, तो इसका लैपलास अपना ये आ गया, ओके ये लैपलास आ गया। अब देख लो कुछ कन्फ्यूजन होगा या फिर फास्ट हो रहा होगा वीडियो, तो थोड़ा सा आपने सेटिंग में जाके उसमें स्लो कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारा 40 मिनट्स का वीडियो हो गया था, अभी तक का सबसे बड़ा वीडियो हो गया था 40 मिनट्स का, ठीक है, इसलिए अभी तो 15 के आप 20 मिनट में ही निपट गया पूरा, क्योंकि अभी लिखने का काम नहीं ना, अभी लिखना पड़ा पूरा, तो लिखने में बहुत बड़ा वीडियो हो गया था, तो ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के रखा है, मतलब तो ये क्वेश्चन लिख के रखना आप, ये 4 मार्क के लिए अपने को पेपर में आया बोलते, ठीक है। तो ये वाला अब देखो अपन जब जितना अभी तक सीखे ना उसमें ये कुछ भी नहीं बताया मैंने, ठीक है, बट ये फिर भी सॉल्व कैसे होगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 से सॉल्व होता है, ये कैसे सॉल्व होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी बोल के बहुत दुख गया, पहले 40 मिनट बोला मैं कंटिन्यू, अभी भी 20 मिनट हो गए नियर अबाउट, वो एडिटिंग में कम हो जाता है टाइम, ठीक है, तो ठीक है अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तभी तक आप दो होमवर्क दिया मैंने 9th और 10th नंबर का, वो करके देखना, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और इसको भी अपन सॉल्व करके देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो टाटा बाय बाय।